हाँ तो देखिए, हमने आपको अभी इसका थोड़ा सा समझ बता दिया कि गुप्ता पीरियड खत्म हो जाता है, फिर बाहर से मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो अब क्या है, ये तो थोड़ा सा कहानी को शॉर्ट समरी जो हमने आपको बताया, पूरा डिटेल भी बता दिया, शॉर्ट समरी भी बता दिया। अब हमारा सवाल है कि हम बिहार बोर्ड के लिए क्या पढ़ें, इतना आपको समझना है। इसमें कुछ चीज़ों को हम आपको लिखाएंगे, जब डिटेल बाय डिटेल पढ़ाएंगे, वो भी काम का, ठीक है, जो है क्वेश्चन के साथ बताएंगे। ठीक बट अब क्या है, थोड़ा सा आपके पास वो, आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आपको थोड़ी सी क्यूरियसिटी यानी इच्छा होना चाहिए, जानना चाहिए हम इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस जो हमारे इम्पोर्टेंट का होने वाला है। तो उसके अंतर्गत देखिए, हम जो लिखने वाले हैं आपको क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, प्राचीन भारत के अंतर्गत इतिहास का स्रोत क्या करेंगे, इतिहास यानी प्राचीन भारत का स्रोत, यानी इसको बोलते हैं इतिहास का स्रोत, स्पेशली कौन सा, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास का स्रोत, इतिहास का स्रोत। ये आपका लगभग जो है इसे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत कम बनता है, तो इसको हम 5 नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चन भी बता देंगे इसका, ठीक है, इतिहास का स्रोत हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में इससे क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको थोड़ा सा हम और समझा देंगे ताकि आपको बीच का कड़ी नहीं छूटे कि इतिहास की एक्चुअली शुरुआत पाषाण युग से माना जाता है, किससे, पाषाण युग से। लेकिन इससे क्वेश्चन जो है एक्चुअली एग्जाम में इससे आता नहीं है, बस इसलिए आपको थोड़ा समझा देंगे, लेकिन इससे आपको फोकस ज्यादा नहीं करना, आपको पाषाण युग, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया, पाषाण युग के बाद आपका इतिहास का स्रोत, पाषाण युग के बाद आपको क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या हुआ, क्योंकि पाषाण युग खत्म अंत में खत्म होते होते क्या हुआ, लोग बसने लगे, और अब से हमारा चालू होता है असल चैप्टर सिंधु सभ्यता, क्या है असल जो चैप्टर शुरू होता है आपका इतिहास का, सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, यहाँ बाढ़ उड़ आ गया, जो सब मर गए, कुछ लोग भाग गए, तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ, तो क्या सभ्यता आ गया, वैदिक सभ्यता, कैसा सभ्यता, वैदिक सभ्यता आ गया आपका, वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता क्या है, इसके पीछे क्या नाम है, क्या तर्क है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो बताएं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है आपका जो है इसी में धर्म क्रियाकांड होने लगा, तो वैदिक सभ्यता में पूजा पाठ क्रियाकांड बढ़ने के कारण ही नया धर्म का उदय होता है, जिसको हम लोग बौद्ध और जैन धर्म क्या करते हैं, क्या हुआ, इसलिए आप जैन, एक्चुअली जैन लिखा जाता है पहले, क्योंकि जैन धर्म पहले आया। देखिए इसका भी तरीका होता है, जैन और बौद्ध दोनों साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मतलब बौद्ध इससे अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, जैन और बौद्ध, इसको लगा लिए, बौद्ध धर्म ये हुआ आपका, जैन और बौद्ध धर्म हो गया, ठीक। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म साथ ही साथ देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह, वैदिक सप्ताह एक गाँव वाला सप्ताह था, इसके साथ ही आप जो है गांव थोड़ा बड़ा होने लगा, यही आप क्या हो गया आपका जो है आपका महाजनपद में, जनपद इसको बोलते हैं, जनपद राज्य या महाजनपद का उदय, ऐसे आप लिख सकते हैं, जनपद, जनपद राज्य, जनपद राज, यही क्या हुआ एक्सपेंड होने लगा, और इसको बोल रहे हैं महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय, महाजनपद के उदय में ही पढ़ेंगे, ये जो महाजन उदय उस टाइम में सबसे बड़ा राज हुआ आपका मौर्य साम्राज्य, क्या हुआ मौर्य साम्राज्य, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्या पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के खत्म होते होते आपको क्या हुआ, फिर जो है बीच में बाहर से आक्रमण होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा ईरानी और मकदूनिया के बारे में, क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसमें हमारा फोकस नहीं होगा इस पे, इसके बाद सीधा हमारा फोकस होगा गुप्ता पीरियड पे, बिहार बोर्ड के लिए हमने बता दिया, सिक्वेंस कुछ और है, इसके बाद हम थोड़ा सा गुप्त क्लियर करें, गुप्त साम्राज्य, साम्राज्य आप इतना चीज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना एंशियंट इंडिया, ये लगभग आपका 40%, आप इतना अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 40 से 50% आपको नंबर आराम से आ जाएगा, ये क्या है 50% नंबर, आपको इतना पढ़ लेते हैं तो 50% नंबर आराम से आएगा, ये जो है 10 दिन से कम में ही आपका खत्म हो जाएगा। ये कोई संशय हुआ इसके संबंध में, हम आपको सिलेबस बता दिया, टाइम भी बता दिया, और तरीका क्या कैसे पढ़ेंगे तो वो हम डेली नेक्स्ट वीडियो में आपको बात बताएंगे कि हम लोग इसमें शुरू बाय चैप्टर बाय चैप्टर इतिहास का स्रोत, फिर पाषाण युग के बारे में थोड़ा सा चर्चा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्टेड रहें, डेली पढ़ें, नोट बनाएं और लिखें और आंसर को भेजें, यही आपका
काम है, ठीक है। बाकी किसी तरह का क्वेरी हो तो क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट में डाल दें, लैब आया लैब आया लैब में डाल सकते हैं, अभी आपको कॉमेंट के माध्यम से डालना पड़ेगा। और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा उसके बारे में मुझे स्पेशल बता दीजिए। चलिए ओके ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।